दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इतना बौखलाए हुए हो, कुछ कहने नहीं, अभी से बौखलाए हैं। क्यों इतना डर रहा है, क्यों डर के भाग रहा है? वो तुझसे डरूंगा, तेरी औकात क्या है? इतनी पिटाई, इतनी पिटाई हो गई, डर के भाग रहा है। एक हवाला तो दे नहीं पाया, अब दिया तो हवाले का सही मफहूम मालूम है तुझे? अबे देखा भी तूने कह दे तो मेरी बात, अब मेरी बात सुन ले, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, तुझे सुन ले, अब सुन तो ले, अब सुन तो ले, बौखला जा बौखला जा बौखला जा, यही तो तुझसे बात करना जैसा कोई नहीं है। पढ़ने नहीं दे रहा वो, अपने ही आला जज के पास नहीं पढ़ने दे रहा। अभी मैं बता रहा हूँ ना, पतावा रजविया जिल्द 29 पता नंबर 209 पे लिखा है तेरा काला हजरत, लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, ऊंट वगैरह सब नाजायज हराम है, तू कह रहा है कि जायज है। अच्छा, ये आला हजरत का कॉल है, तेरे आला हजरत के खिलाफ है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये आला हजरत का कॉल है, मैं आपको बताता हूँ, नाकिल के नाकिल का कॉल है, नहीं लिखता, इमाम गजाली रहिमुल्ला का कॉल है। अच्छा, नकल कर रहे है, क्या नकल कर रहे हैं कि जो है बोसा करदन वो सरदा दादन के लफ्ज मौजूद है, बोसा करदन इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते कि बोसा करने के बारे में फरमाते हैं कि इस तरह की खुराफात, जाकर मजार पर तवाफ करना और जो है कब्र की तरफ खड़े हो जाना, मुंह करके बोसा देना, झुकना, इसमें कुफर का शेबा है और उस इस तरह अंदाज में अल्लाह हजरत इसके अंदर नकल फरमाते हैं। मगर वही तो मैंने आपसे कहा था कि पूरी बात सुनोगे तब तुमको समझ में आएगा, अधूरी बात सुनोगे नहीं आएगा। सुन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, उस वगैरह सब सुना जाए जो हराम है, ऐसा करना ज़ियारत करने के तरीका आदाब के खिलाफ है। जो उसमें आजकल होती है उसको बिल्कुल मना करना चाहिए। आला हजरत ने मुत्तकल ही आला हजरत का मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इमाम गजाली का कौन इसके बाद नकल है और ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, आगे का सफा देख रहा हूँ, क्या चीज सफा भेज रहा हूँ आगे का? हाँ, तुमने सफा नंबर 200 में भेजा है। हाँ तो आगे का, आगे का सफा नंबर आगे, आगे का क्या कहते हैं, बाज नंबर 5 मानते, फरमाते चुनांचे इमाम गजाली रहीमुल्ला ने अहयानुल उलूम के अंदर फरमाते आगे का वो सफा है, आगे का वो इबारत है, तो चुनांचे इमाम गजाली ने वो कॉल लगा दिया है। सुनो मेरी बात, इमाम गजाली ने कॉल लगा दिया क्या है तुम्हें बताता हूँ। कबर की ज़ियारत करने से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले मना फरमाया था, फिर आपने इजाजत दी थी, मैं तुम्हें कबर की ज़ियारत करने का हुक्म देता हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कबर पे जाना, बोसा देना और वहाँ पे तवाफ करना, हुजूम मचाना और जो उर्स करना, इस तरह हराम है, और मुतलकन उर्स को नाजायज हराम नहीं कहा है। और पहले आला हजरत ने नाकिल है, कितना झूठ बोलेगा ये देख, झूठ मत बोल, अभी तूने कहा है आगे लिखा है, तू ही बोल रहा है, तू ही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, ओट वगैरह सब नाजायज हराम है, क्या मतलब नूस को हराम नहीं कहना? मैंने तुझे कहा था मुतलकन दिखा दे आला हजरत, तवाफ करना हराम है कि नहीं? मैंने तुझसे कहा था मुतलकन दिखा दे, और तेरे मौलवी उसको जायज कह रहे थे, किसी का नहीं है ना, उसका माना मफहूम बता रहे हैं, ओट वगैरह सब नाजायज हराम है, कहाँ लिखा है मुत नाजायज हराम है, कहाँ लिखा है? अब ये क्या लिखा तो है इसमें, खुराफात के बारे में नाजायज हराम लिखा है, इसमें खुराफात भी लिखा है, नीचे क्या लिखा है? तो वैसे भी नाजायज है, बता रहा हूँ क्यों रहा है की कबर को झुकना है, कुफर का ऐसी हरकत करना, ऐसी सकनात करना, ये कुफर का जाता है, इस अंदाज का माल लिया, तो बकबक माल लिया, बकबक करने लगा,
बड़बड़ करने लगा, वो तेरी आदत है बेटा, बड़बड़ करने लगा। इमाम गजाली फरमा रहे कुफ्र का इनमें शेबा है, कुफ्र का खौफ है। हाँ तो इमाम गजाली फरमा अगर बाजार में करेंगे तवाफ करेंगे देंगे कुफ्र का खौफ है, इसको बना फरमाया गया मुतलका उसको नहीं बना फरमाया गया। ये तेरे आला हजरत खुद कह रहा है कि नकल कर रहे हैं, आला हजरत कह थोड़ी ना रहे हैं, नकल नहीं कर रहे हैं। देख सुन इधर बोला है इमाम गजाली ने कहा है कि अल्लाह ताला ने फरमा ने इस हदीस में आज बताया कि मुसलमान के कुरान के कुरान के इमाम गजाली ने मुल्ला के गजाली ने फरमाया कि इमाम गजाली ने आगे नकल है ना, इमाम गजाली ने पहले तो इन्होंने नाजायज करार दिया, नाजायज हराम कर दिया है। इस मामले में ये है, ये देख आला हजरत से ऊपर से पढ़ ऊपर से पढ़ आज उन्होंने इस हदीस से इस बात पर इस्तेदलाल किया है कि बताओ मुल्ला की सफर मकान के मुकद्दस असल यारों से ये करना मना है, ठीक है। और मेरे लिए जो जाहिर हुआ है ये देखो आला हजरत तेरे फरमा रहे हैं, मेरे लिए जो जाहिर हुआ है वो ये है कि मामला इस तरह नहीं है बल्कि ये बोले बड़बड़ करेगा बड़बड़ करेगा। उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें कब्रों की ज्यारत से मना करता था जो कोई बड़बड़ करेगा, लेकिन कब्र को बोसा देना तवाफ करना करना सब नाजायज हराम है करना, ये तेरे आला हजरत का कौल है। अच्छा आला हजरत का कौल साबित कर चल। हाँ बिल्कुल साबित कर चल, साबित करो साबित कर आला हजरत का कौल, इमाम गजाली का कौल निकल कर ले आला हजरत। नहीं नहीं इमाम गजाली का तो नीचे बात है, पहली बात तो नबूवत नहीं है। सुन मैं साबित कर रहा हूँ, अभी मैं मुंबई का कौल है, देख दूसरा क्या करना दलाल करना है यहाँ पे देख मरीज। अब यहाँ से देख कर सिर्फ तीन की हदीस से इस्तदलाल किया है कि उलमा साहब मकानमा के मदरसा में ज़ियारत के लिए सफर करना मना है, और मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है तुम्हारे आला हजरत के लिए जो कुछ जाहिर हुआ है तेरे आला हजरत आगे क्या फरमाते हैं, इमाम गजाली का पूरा मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है पूरा कौन लिखते हैं। पूरी पूरी बात फरमाते इमाम गजाली की, इसमें उस तरह की बात करना नाजायज हराम है, झूठा कहीं का मक्कार। अबे झूठा तेरा झूठा नाकिल है, झूठ बोलते है ऐसा करना जिसारत करने के तरीका आदाब के खिलाफ है। चुनाव इमाम गजाली अल्लाह रहमा अहले उलूम में फरमाते हैं ना, इमाम गजाली का नकल आप कर रहे हैं। नहीं यहाँ देख यहाँ देख यहाँ इमाम गजाली फरमाते हैं नंबर 208 हाँ 208 से ऊपर ही पढ़ता हूँ। इमाम गजाली ने सदी से सवाल किया है, इमाम गजाली का कौन नकल कर रहे हैं आला हजरत की तीन मस्जिदों की तरफ चुनांचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ई कौल मी नकल ना कर दा इमाम गजाली फरमुदास्त, समझे जाहिल मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है वो ये है कि मामला इस तरह नहीं है बल्कि ज़ियारत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तेरे घर से भी साबित कर दिया आला हजरत पे कितना झूठ बोले, झूठ बोले नहीं है इतना झूठ बात के ये फिर कैसे लगा अभी भी झूठ बोलता ये
अभी मैं जब से इसको साबित किया कि तेरे आला जज ने मुरतब नहीं किया, बताओ रजिया अभी झूठ देखो तेरे बात अभी कह रहा था यहाँ यहाँ लिखा कौन नहीं है तेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ यहाँ लिखा है नहीं माँ तबाही ना ले इमाम गजाली का कौन नहीं है इमाम गजाली का कौन नहीं है इमाम गजाली का कौन नहीं है ये इमाम गजाली कह रहे तेरे अजब मेरे हजरत नकल करे महफिल के हुक्म पे हुक्म लगता है फतवा दिया जाता है नकल करे बाद में बीच में क्या बोलना जो कुछ मेरे लिए जाहिर हुआ ये इमाम गजाली का कहना है ये बता ये इसमें जियारत कबूर को और उर्स वगैरह को जो आदाब बयान किए तो इसमें क्या बताया उर्स को अंदर करना उसको भी मना करवा दिया तेरा आला हजरत लिख रहा है झूठ बोला पागल हो गया ये कह रहा है कि जायज है पिछली बार जिल्लत हुई है अभी तक तो शर्मसार नहीं हुआ मैं तो पूरी दुनिया जानती है दुनिया जानती है दूसरे चैनल में तुमने अपलोड किया था देवंजी खंडा भी ने अपलोड किया था दूसरे चैनल में अपलोड करना तो क्या बुरा है और अच्छी बात है क्या है तेरा दल्लत तो उसी में है ना वो तुम्हारा ये किया गया उसको उसके बारे में अपलोड कर दिया चल चल क्या हुआ अपनी जिल्लत दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया तो दूसरे चैनल तेरी औकाती है यही तेरी गलती है खुद की जिल्लत होगी तो यही पता चलेगा तो कैसा भाग रहा अपने आला जब पर अपने अकाबी पर झूठ बोलता सभी तुम अभी पढ़ लिख कर आया तो तेरी मिल का पता चले अबे बिदती तेरी औकात कहाँ है अभी अभी बात कर रहे हैं तो तुम्हारे मुख की जो शोभा ही है शोभे में शिकार होता है तुम्हारे अंदर वो तेरी तेरी आला हजरत की जो है सुन्नत है ये लिखा है ना तुम्हारी किताबों में लिखा है क्या लिखा है बताओ क्या लिखा है व्हाट्सएप खोल हाँ तो बता बता बिल्कुल बता बता बिल्कुल बता हाँ तो लिखा है तसस्सुल अकाबिर के अंदर कि मियां महमूद अपने चार गाली याद कर लेना चाहिए और गाली की किताबें छोले से लिख देना चाहिए तो तुम्हारे पास गाली याद कर लेना चाहिए किताबें गाली की किताबें लिख लेना उसमें से किताब गाली याद कर लेना चाहिए दो चार हाँ तो दो चार जब गाली तुम लोग दोगे तुम्हारे मदरसों में गाली की नहीं नहीं ये क्या लिखा है वो बता क्या लिखा है क्या लिखा भेज दू इबारत पढ़ना इबारत अच्छे से पढ़ भेज दू इबारत भेज दू भेज दे बेटा भेज दे हाँ भेज देता हूँ मेरे पूत जवान नहीं हो पाएगा दोबारा अरे देता भेज ना मेरा आलाजा जो गाली सुनने जाता था अपने अब्बा की नाफरमानी करके हाँ अब दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ अशरफ अली थानवी कितना नाफरमानी करता था बशीर अहमद मजदूर बशीर अहमद के पास गाली सुनने जाता था तेरे अब्बा के ना फरमाए खोल ना व्हाट्सएप खोल मेरे बेटा मेरे लाल मेरे सोना मेरे मोना मेरे सोनू मेरे टोटू मेरी टोपी खोल व्हाट्सएप खोल बेटा अरे खोल मेरे सोना मोना टोपी खोल 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 बेटा व्हाट्सएप पे तेरे आ रहा मैं इस्तेमाल कर दे रहा हूँ बेटा मेरे पास कम से कम 25,000 स्कैन है तेरे पास तेरी औकात नहीं 25,000 फोन नहीं उठाया बेचारे ने अब मेरा फोन सुनवाई से जिल्लत से बचने के लिए अबे तेरा कल फोन मैं किया कल फोन नहीं उठाया कितना फोन किया है गवाह दी मेरे पास गवाह क्या चीज मेरे पास गवाह दी है कि मैंने तुझे कितना फोन किया है कम से कम 10-12 तो मैंने फोन किया होगा तुझे कल दिन भर में तो किया अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अपनी कारिस्तानी बता दिया अपनी कारिस्तानी क्या बता दिया मैंने तुझे फोन किया तूने मेरे फोन उठाया है कि महमूद मोहम्मद याकूब साहब जी भी यहाँ तक की फरमाया करते थे कि अगर गाली की किताब भी होती तो उसमें अरे पहले भेज तो भेज दिया बेटा कहाँ भेज अरे भेज दिया लल्ला जाग अभी जाग नींद से जाग दिन की जाग अब मैं पढ़ देता हूँ हर फन का उनको उन्हें शौक था फरमाया करते थे मियां गालियों की किताब भेज इबारत अरे भेज दिया मेरे लाल भेज दिया नहीं भेजा नहीं भेजा बेटा नहीं भेजा अरे आपके व्हाट्सएप पे चली गई है देखिए
अभी आपने 1257 पे खोला है व्हाट्सएप, अभी आपका 1258 हो रहा है, आपने उम्र कम कर लिया। भेज बेटा, भेज दिया मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे पुत्र, मेरे छोटा शैतान के बच्चे, भेज दिया। अच्छा तुम्हारी अम्मी अब्बी ने अभी भेज दिया मेरे लाल, भेज दिया लल्ला बेटा। देखे मेरे घर में पीएचडी करवाई जाती है, वैल्यू की पीएचडी होती है। हाँ, जैसे तेरे अलाजत ने गाली की पीएचडी होती है, अशरफ अली साहब ने भाई के ऊपर मुद्दा था। ये तेरे अलाजत कांता जो तेरे घर में ना मसूदात जिल नंबर 4 के अंदर है, तेरे भाई साहब ने मेरे सर पे मुद्द दिया, मैंने उसके बाद हजरत के सर पे मुद्द दिया मैंने अपने भाई के ऊपर। किसको बिल्कुल बताऊंगा, तुम लोग 100 साल की पैदावार हो, सुगियों से टकराते हो। को दिखाता था तो पैदावार है बेटा, 100 साल की पैदावार, अंग्रेज की पैदावार, गागर की पैदावार, चादर उर्स मनाने से कौन रोकता है? तेरे उर्स मनाने से कौन रोकता है? तेरे मुल भी रोकते हैं। अच्छा अच्छा, उर्स मनाना चाहिए, बिल्कुल उर्स मनाना चाहिए। अच्छा उर्स में जाना चाहिए, बिल्कुल उर्स में जाना चाहिए। अच्छा तो तेरे आला जब ने बोलता ना जाए जाए तो कैसे उर्स में उसमें खुराफात को ना जाए क्या, उर्स मनाने को ना जाए नहीं कहा। अगर तेरे में दुश्मन ही ना जाए हिम्मत है तो ये दिखा दे कि उर्स हराम है। उर्स को क्या है? अच्छा उर्स करना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है उर्स करना, बुजुर्गों को उर्स से साबित है, तुम्हारे देवबंदियों के घर से साबित है। अबे उर्स करना चाहिए, बिल्कुल उर्स करना चाहिए, उसमें जो नाजायज खुराफात है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। तेरे आला जज ने नाजायज हराम कहा, उसको नाजायज हराम कहा, सब भेज अपना पागल सपा नंबर 209 ये कह रहा है, कब्र को बोता देना, सवाब करना, उर्स वगैरह सब नाजायज है। हाँ भेज भेज, हवाला भेज दे। हाँ सब नाजायज हराम है, उर्स मुतलकन हराम लिखा है, चल भेज भेज। हाँ बिल्कुल मुतलकन लिखा है, चल भेज 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 मेरे लाल भेज। मैंने किताबी तक किताब भेज दिया, तूने देखा सबर कर बेटा, अब तेरे आला हजरत के खिलाफ तेरा अकीदा हुआ, गरीब नवाज का 1100 साल हो गया, अकीदा तेरे आला हजरत के खिलाफ हो बेटा, भेजो ना भेजिए, वो काफिर है, भेजिए 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 ना, करेगा बेटा भेजो ना, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, मैंने तो आपको हवाला भेज दिया। ये पागल हो गया है, पागल क्या हो गया, तेरी जिंदगी ये पागल हो गया है, देख आला हजरत के खिलाफ क्या हुआ, रेलवे के पतरे से ही काफिर हो गया। भेजिए भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, रेलवे के पतरे से काफिर हो गया। अरे मेरे पास भेजिए हवाला, भी हवाला। हाँ अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, कहा तोबा में तुम्हारी जैसे तोबा में मर गया क्या? हाँ बेटा बेटा बताओ, अभी भेज दिया है, मेरा डबल सीट भी हो गया है, उसे घर में गाली की पेश भी करवाई जाती है। तेरे आला जज का कारनामा है, जब गालियों की किताबें पकड़ लिया है, गंदी गंदी बातें तो भी कही रहा हूँ, कर रहा है गंदी गंदी बातें, पता चलेगा भेजेगा नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा। भेज रहा हूँ एक मिनट, भेजो भेजो, मालूम कैसे होगा, लोग कैसे सुनेंगे, ये आवाज कैसे सुनेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मुहावरे कैसे सुनेंगे, उनकी जिल्लत होगी। हाँ सही बात, बिदअती और कब्र पुजारी कैसे सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल तुम्हारी जिल्लत हमेशा ही होती है, हमेशा तुम्हारी जिल्लत होती है, ऐसा एक मुनाजरा नहीं जिसमें बिल्कुल एक मुनाजरा नहीं दिखा सकते सुनियों की हार हुई है। अबे कौन सुननी है, तो बिदअती सुननी, बिल्कुल बिल्कुल मैं तुझे सुनने के लिए बिदअती साबित करूंगा, बिदअती अपने आप को कब्र पुजारी सुननी बोलता है, ये हाल है इसका। भेजो भेजो, जो मैं कह रहा हूँ भेजो ना, भेज देता हूँ, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट स्लो कहाँ चल रहा है तुम्हारा, अभी नेट स्लो ही नहीं चल रहा था, अभी मेरा नेट स्लो चल रहा था, आपका नेट स्लो चलने लगा, स्लो चल रहा था, ये देखो तेरा स्लो चल रहा था, अभी तो आप कह रहे थे कि आप अभी तक आया नहीं, क्या हुआ, तुमने भेज दिया, मेरा स्लो चल रहा था, मेरा तो बहुत फास्ट चल रहा है, मेरा स्लो चल रहा था, मेरा तो बहुत स्लो बहुत फास्ट चल रहा है, 4G स्पीड में चल रहा है, बोला तेरा स्लो चल रहा है, 5G लगवा के रखते तो 5G स्पीड में चलता, अभी तो बोलता स्लो चल रहा है, भेजिए ना उसको, भेजिए जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, आगे फतावर रिजविया है ना तेरे पास, फतावर रिजविया भेजो मेरे पास, मेरे पास नहीं है, भेजो इसके नंबर 29 निकाल, सफा नंबर 209, ऐसा थोड़ी ना, फतावर रिजविया भेजिए भेजिए, मेरे पास मैं हाथ में लिए नहीं हूँ, मेरे पास है, मेरे पास है तो रखी है, मैं फरा जगह पे हूँ, आप मेरे पास भेजिए, कॉल करिए, चलिए व्हाट्सएप पे, फतावर रिजविया नहीं है तेरे पास, अरे मेरे पास है मगर मेरे पास इस वक्त नहीं है, चलिए भेजिए,
अभी तेरा आला हजरत के खिलाफ तेरा अकीदा साबित हो गया और तेरे अकाबे के फतवे से तो आप पहले से साबित करेंगे। तेरा तेरा आला हजरत ने जब कह दिया है कि उर्स ना जाए जो हराम है। हाँ रुक नेट सिल मैं तो बोल रहा हूँ ना नेट सिले चल रहा है। घर का फतवा ले ले पहले अपने घर का फतवा ले ले मेरे तेरे घर का फतवा भेज रहा हूँ तो पहले घर का फतवा ले ले जाहिर तो होगा ये ले आप तो मेरे घर का फतवा अभी रहने दे। अभी तेरे आला हजरत ने जो जिसका अकीदा तेरे आला हजरत के खिलाफ साबित नाम है वो काफिर मुसन्निफ है और इसका सफा नंबर है ये लिखते और उसका मशहूर लिखते हैं उसके माने क्या लिखते हैं उर्स में लुगत के माने शादी को आते हैं और हासिल कलाम ये है कि जो है महबूब का महबूब सोसुल होता है क्योंकि और यहाँ पे आगे फरमाते हैं आगे चल के बुजुर्गों के योम विशाल को उर्स कहा जाता है जिस दिन बुजुर्ग जो वफाद होता है उस दिन को योम विशाल कहा जाता है उसे उर्स कहा जाता है इसलिए उर्स मनाते हैं। ये देखिए तुम्हारी हदीस खैरुल अनाम ये देखिए और ये अरवाह सलासा है हिकायत औलिया इसके अंदर खुद लिखा है अब्दुल अजीज का मामूल था वो जो है मजार पे जाया करते थे साल में एक बार उर्स मनाया करते थे। कौन सा इसका बाद में देखेंगे तुमने क्या बोला उर्स मनाना तुम्हारे घर अब तुम्हारे हो गया और हजरत के खिलाफ तेरा अकीदा हुआ तू साबित कर दे तुझे हवाले भेज दिया तुझे हवाले भेज दिया है तेरा मौलवी खुद लिख रहा हराम हो गया वो 800 की 811 सवाल हो गया गरीब नमाज के उसको हराम हो गए मेरा मौलवी कहता हराम हो गए माशाल्लाह तेरा मौलवी हराम लिखता है मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह हराम लिखता है और तेरे घर में मौलवी दिखाई देते कि उर्स मनाया करते थे। अच्छा क्या हराम लिखा है वो मौलवी कहता है उर्स में जाना उर्स में शिरकत करना और उसमें तदई करना और मजमा करना सब हराम है। तेरा मौलवी से लिखता ये जाहिल है तेरे आला हजरत जी ने भी लिखा है तेरे आला हजरत जी ने लिखा है एक हवाला नहीं है और खाली बकवास कर रहा है। अबे हवाला नहीं होता तो तेरे आला हजरत जी का नंबर पता नंबर पड़ता जिल्द नंबर 29 खोल बेटा। हाँ खोल बेटा मेरे सोना मेरे मोना मेरे पट्टी भेजो। इसके आला हजरत पट्टी खोल पाइए हवाला भेज दिया तूने मेरा मोबाइल नहीं उठाया हाल नहीं उठाया काला हजरत पट्टी खोर था फालतू के मुंह नहीं लगता भाभी के अभी माशाल्लाह अभी तक ये कोमा में मैंने सारे हवाले उसके व्हाट्सएप पे भेज दिए मेरे स्क्रीन शॉट लेके होगा आया ही नहीं बेटा देखा पता चल रहा है क्या भेज दिया तेरा सिलो है तेरा नेट भी सिलो हो गया जाने वाला लग रहा वो भी तेरा नेट भी जाने वाला है। अच्छा तू दुनिया में बाकी रहे यानी तेरा आला हजरत दुनिया से नहीं गया वाह भैया हिजरे की तरह हंस रहा हो गया। अच्छा अब तेरा आला हजरत हरामी हो गया मैंने तो साबित कर दिया है अभी तक नहीं है। अब तेरा आला हजरत क्या बड़े बड़े वहाबी अच्छा ये देखो ये फिल्म खबर में नहीं हुई तो मिसकाल आई चल चल तेरे औकात मालूम है मुझे मालूम है
इतना जब मैं करता था बोलता अरे क्यों करते होगा भाई बार बार क्या अच्छा ठीक है काम धंधा नहीं है।